जीजू के संग जीजू के संग गुड मॉर्निंग जीजू के संग गुड मॉर्निंग। ओह प्यार ओ बाबा ले इना पाल जीजू को दीदू को कितना पाल। ओ बाबा जमाई दीदू को प्याल कितना ये प्याल लेकिन छोटे छोटे हाथ से प्याल खेलता है, ये बाल खींच के प्याल खेलता है। ए जिन्ने चलानी है फ्रेंड्स, और ये खड़ी हो रही है, देखो ये खड़ी हो रही है गाड़ी के सहारे। गाड़ी चलानी है आपको? ये कह रही है आज मैं ले जाऊंगी आप लोगों को। ये पैर देख लो जरा इसके, और ये खड़ी हो रही है सीढ़ी देख, ये देखिए देख इसके सहारे खड़ी होने जा रही हो। कैसे खड़े होने जा रही हो आप? ये बब्बू कहाँ कर लाई क्या देख रही? हेलो गुड मॉर्निंग, चलो नीचे नीचे चले एक चक्कर, चलो चल बाबू। ए मुन्ना सीढ़ी जल्दी आना। हाँ हाँ वो आ जाएगी, चलो मेरे को भी जाना है एक बार। हाँ हाँ आया मुन्ना बोल रही है, कहाँ आए हो आप गुड्डन, कहाँ आया हमारा? ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी गुड मॉर्निंग हो रही है। अभी जो है वो नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है ना। नदी कितनी शांत बह रही है देखो, बहुत ही अच्छा। अभी हम नीचे जाते हैं और थोड़ा नदी के आज उधर पास जाके देखेंगे, चलें है ना। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, सवेरे सवेरे शांत है एकदम, सारे लोग सोए हुए हैं। कुछ ही लोग होंगे जो उठे होंगे, क्योंकि इस समय मॉर्निंग वॉक कम लोग करते हैं। रात को तो सारे लोग उठे रहते हैं, लेकिन सवेरे को बहुत कम लोग उठते हैं। तो इतना अच्छा यहाँ पे, मतलब मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर तो ये लगता है कि सवेरे को जो हम आए तो क्या फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग हुई रहती है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये नदी है, ये है वो किचन, ये एरिया है, ये आ गए हम नीचे जाके देख रहे हैं एक बार। कहाँ से जा सकते हैं नीचे? यहाँ से जा सकते हैं, हैं उधर से, चलो फिर उधर से ही चलते हैं, जहाँ से रास्ता, जहाँ से रास्ता है वहीं से चलते हैं। चल रहे हैं, अभी हम लोग लेट हो गए आज क्योंकि मीठी उठी हुई थी, तो लग रहा था कि उसको सुला के आए, उसको सुला दिया, लाए नहीं हम उसे, फिर लेके आएंगे उसे, थोड़ी देर और सुला दिया ना। कितने पास से, वाह कितना अच्छा, नदी की लहरें कैसी होती हैं देखो ये, ना ना ये देखिए, ओ नदी के पार है फ्रेंड्स। हम लोग जाके आ गए नीचे, बहुत मज़ा आया। उधर का कोना दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे वो लोग बर्थडे मना रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, कोई कोई जगह बर्थडे मनाने की जगह है शायद फ्रेंड्स, कोई फंक्शन वगैरह के लिए इन्होंने यहाँ पे वो वाली घास लगा रखी है आर्टिफिशियल, जो हमारे घर में लगी थी, यही लगाते हैं लोग, क्योंकि ये वाली घास तो ख़राब हो जाती है, ये नहीं होती। देखो कुछ नहीं होता इसको, बाहर भी कुछ नहीं होता इसे, आर्टिफिशियल को तो कह रही हूँ, ये ऐसी धूप पानी सब झाड़ा साफ हो जाता है बस। ये है देखिए कितनी अच्छी, मुझे ये सड़क बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ना। ये है राफ्टिंग का सामान इनका, एडवेंचर थिंग्स, बहुत ही सुंदर हो रहा है मौसम, बहुत शानदार एकदम बढ़िया सा। ये चेस वाला एरिया है, पता नहीं चेस कैसे खेलते हैं लोग इससे, ये इतने बड़े बड़े हैं ऐसे उठा के रखते हैं, क्या ही करते हैं पता नहीं। देखिए ये पूल वाला एरिया है, और पूल के चारों तरफ किनारे किनारे ये पाम लगे हुए हैं सारे, क्योंकि पाम बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा सा लुक आता है इनसे। वो इधर है ये, इधर ये वो है स्पा, ये स्पा है, ये इनमें ये फूल डाल लेते हैं बाद में सवेरे को, थोड़ा जब उठ जाएंगे ऊपर चलते हैं एक जगह फ्रेंड्स। ये है, तो लेनी है? हाँ ले लेंगे एक जोड़ी, एक जोड़ी ले जाएंगे याददाश्त,
लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेयर बोरिंग क्लॉथ्स। अच्छा लिखा है, वाइट वाइट ही अच्छे मिलते हैं। आ जाओ, ये कौन सा, ये बैम्बू है मुझे लग रहा है। ये बैम्बू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी मैंगो का पेड़ है देखिए ऊपर तक। ये क्या है, प्राइवेट लिखा है इसमें, ऑर्गेनिक होम मेड। पिकल भी मिलता है यहाँ पर। और ये अंदर पता नहीं क्या है, प्राइवेट लिखा है, हम जान लिया। और ये है हमारा ऊपर से व्यू। ये सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। अरे इधर भी चाहिए। ये देखिए, ये एरिया है बहुत ही सुंदर है ना, प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए व्यू, वाह, मज़ा आ गया। फ्रेंड्स, जब हम पहली बार आए थे तो बच्चे ये वाला चीज़ देख के बहुत ही खुश हुए थे। दिखाती हूँ, ये थोड़ा ये ऐसे है, स्लाइड में दौड़ रहे थे, खूब दौड़े। ओम जी भी खूब दौड़े इसमें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, खूब चक्कर लगाए। इस बार बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा कम एक्साइटेड है, क्योंकि ऐसा ही हो जाता है, बच्चा छोटा होता है तो ज़्यादा इन छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता है ना। ये देखें, ये एरिया, हाँ ये एरिया है, इसको बहुत पसंद करते थे ये लोग। और ये फ्लावर्स लगे रहते हैं यहाँ पे, अभी जाड़ों के भी लग रहे हैं। वो चिड़िया वहाँ बैठ के टी 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 जाते हैं, मत डांटना, मैं तो कहती हूँ। वाह, देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा एरिया है। ये मेडिसिनल प्लांट्स है, ये यहाँ को चले जाते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से उधर को चले जाएँ। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे बने हुए हैं ये सारे, हैं देखा है, यहीं तो मिली थी हमें बिल्ली, उधर को गए थे हम। फ्रेंड्स, ये देखिए लक्की, मतलब ये लक्की बैम्बू नहीं है, बैम्बू है ये। ये बैम्बू लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ये आम है ना, आम का पेड़ कितना बड़ा, खूब, बहुत पुराना पेड़ लग रहा है, इतना बड़ा है। देखिए ये ब्रांचेज कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं। ये बैम्बू है, यहाँ को तो पूरा जंगल टाइप का ही हो रखा है। फ्रेंड्स, आजकल ना लगेज इसमें आता है अंदर, और जब हम पहले आते थे, खुद भी आ सकते हो तुम अपने रूम तक, पहले जब हम लोग आते थे तो एक डॉगी भी है, अच्छा डरते होंगे, आ जाओ, डरते होंगे ना, आ जाओ, डर रहे हैं। ये मिट्टू को देखने जा रहे हैं कि वो उठ तो नहीं गई। यहाँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती, कोई भी रिसोर्ट हो वैसे तो क्लब मेंद्रा का वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और रामनगर का रिसोर्ट मुझे लगता है जहाँ जहाँ हम गए हैं उसमें से सबसे बड़ा है अभी तक। और भी होंगे, हम ज़्यादा दूर तक नहीं गए हैं, तो जो पास पास के हैं उनमें सबसे बड़ा रामनगर का रिसोर्ट है। सनराइज़ दिखाई, देखिए कहाँ तक आ गया सर, ये इतने ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर हो गई इनसे देख के आओ, कहा था, मुझे लग रहा है मिट्टू उठ गई है या तो। जो है अच्छे से सोई हुई है ये, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक चक्कर और घूम के आते हैं। चलो 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 चलो, ये देख मैं भी झूलती हूँ, ये बैठ गए। कितना मज़ा आ रहा है फ्रेंड, बड़ा ही है वो है, ये मतलब कंफर्टेबल है ना, पट्टे वो जो लगे रहते हैं ना लकड़ी या कुछ, उससे मज़ा नहीं आता। इसमें नीचे से कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, अभी कुछ लगा हुआ है, बड़ा अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वाह, भूख लग गई थी कल फ्रेंड्स, मुझे ना रात को भूख लग गई अचानक से, और ये वहाँ से बोल रहे पढ़ पढ़ क्या कर रहे झूल तेज। हाँ नहीं, लग गई थी ना फिर यार मुझे। चले, ये तो नया ही बनाया भाई, पहले नहीं था ये, तो खतरनाक सा लग रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती होंगी यहाँ पे, तो ये बना रखा है। देखिए ये वहाँ चप्पू हैं, पास से दिखा देते हैं, जो राफ्टिंग बुकिंग सेंटर है ये, इसमें बैठते। ये है राफ्टिंग की, पिछली बार तो छोटी छोटी जीपें थी यार, वो हम चला सकते थे,
अंदर हम भी बैठे थे उसमें, छोटी साइकिल भी है बच्चों के लिए और ये जीप भी है अगर कोई अंदर चलाने के लिए लेना चाहे तो। साइकिल है, ये छोटे बच्चों की साइकिल है, बहुत कुछ है, छोटी छोटी साइकिलें भी हैं नन्नू वाली, वो देखिए छोटी सी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आदमी इंगेज रह सकता है, बच्चे तो बिल्कुल बोर नहीं होंगे। चप्पू देखिए, ये स्टाफ पार्किंग है देखिए इधर केवल ये वाली, और ये हमारी पार्किंग। किसको देखिए? हाँ फ्रेंड्स ये देखिए, 7-8 साल पहले जब हम आए थे, हाँ 8-9 साल पहले जब आए थे तभी भी ये ऐसा ही था, बन रहा था मीन्स, और अभी भी बन ही रहा, बंद हो गई फिर कंस्ट्रक्शन, उस समय ये बन रहा था तो हम सोच रहे थे कि क्या बन रहा है इनके ठीक आगे से, और इसके बाद हम वापस चले जाएंगे फिर बच्चों के साथ आ जाएंगे क्योंकि कुछ पता नहीं है, उठ ना जाए और फिर रोने लगेगी। ये यहाँ बैम्बू बहुत लगे हैं और उससे बड़ा अच्छा, क्यों लगाते हैं बैम्बू, ठंडा होता है क्या? ये तो बाउंड्री बन जाती है। हाँ और काटे भी हैं इन्होंने, कुछ कुछ यूज़ भी करते हैं मुझे लग रहा है ये लोग। ये हमने आपको अंदर से उल्टा दिखाया, अंदर से बाहर को, ये देखिए ये क्लब महिंद्रा कॉर्बेट रिसोर्ट। ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ थोड़ा सा, आ जाओ। ये है हमारा हल्द्वानी में जो इंदिरा रिजेस है ना, सौरभ होटल, उनका है रिसोर्ट इसके ठीक बगल में ये वाला। ये देखिए यहाँ पे हृदयेश करके, यहाँ पे ओपन जीप बहुत चलती है, हृदयेश करके, ये देखिए वाइल्ड डियरनेस रिसोर्ट, ये ऐसा है, काफ़ी बड़ा इनका भी गेट है और अच्छा ही होगा अंदर, लेकिन हमको तो यहीं अच्छा लगता है क्लब महिंद्रा में तो हम लोग यहीं जाते हैं, काफ़ी बड़ा। हमने आपको पूरा दिखाया है ऐसे, नीचे से ऊपर को दिखाया और दिखाया, और बहुत ही सुंदर रिसोर्ट है इतना दिखा पाए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे ना, 10-10:30 बजे निकल जाएंगे और थोड़ा सा घूमते हुए घर को जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी अभी से 12-1 बजे तक ताकि पहुँच जाए। जहाँ सिटी भी सोए रहते हैं सवेरे तो इतनी उनकी वो नहीं है, शाम को उन्हें प्रॉब्लम होती है ना, तो अभी हम कमरे में जाते हैं, देखते हैं मिट्टी उठती है या जो भी है, अपना नहा लेते हैं धो लेते हैं फिर तैयार होकर निकलते हैं। हाँ इतनी गर्मी में गर्मी चलो मैं घुमा दूँगा, तुम घुमा देना, धूप बहुत है। अच्छा चलो मैं भी आ जाऊँगी, देख लेते हैं, कह रहे मिट्टू को लेके आएंगे तो आ जाएंगे, हो सकता है सुहानी भी उठ जाए, लेकिन वही अगर आना है ना तो सवेरे सवेरे आओ सबसे अच्छा होता है नहीं। हाँ धूप आ गई ना, मुझे तो गर्मी आने लगती है। अभी मिट्टू आपसे गुड मॉर्निंग कहना चाहती है, उसकी परमिशन ले लिए मैंने, अब आपको मैं गुड मॉर्निंग, देखो स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कह रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा सुप्रभात, बोलो मिट्टू। देखो फ्रेंड देखो, ये हमारी देवी माँ है। गुड मॉर्निंग, ये देखिए मिट्टू उठ चुकी है एकदम फ्रेश, और इसका नाइट सूट आज तो कल से भी अच्छा लग रहा है ना जमाई। हाँ ये मिट्टू के जाने के लिए नहीं बिल्कुल पैक है वो, कैसे खुल जाएगा, पूरे पैक है, यहाँ से पैक है, यहाँ से पैक है। चला जा सोनी जल्दी, फिर फास्ट, धूप बहुत तेज आ चुकी है, ये नहीं लगता वो साइड के लिए, जब वैसा होता है बच्चा, आ जाओ कमन पानी कमन। ये हो गई मिट्टू रेडी बाबूजी के साथ बाहर जाने के लिए, आओ नची 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 नची, खुश हो रही है बात ही। अरे वाह मिट्टू, ये हमारा गुन्ना है, हमारा गुन्ना, हमारा चार्मिंग है, चार्मिंग बेबी। लॉक के करना, खाली बंद कर दे, कुछ नहीं खाली बंद कर दे। फ्रेंड्स देखिए कितना फैला चुके हैं हम, ये कितना सुंदर दिखाया था आपको, और ये किचन फैली है, ये इधर फैला है, ये मिट्टू का पॉट, ये इनका बिस्तर फैला है, सुहानी सोई थी फिलहाल यहाँ क्योंकि सुहानी को अच्छा लगा था। ये है ड्रेसिंग,
ये ड्रेसिंग रूम वो है मिरर, और ये मुझे बहुत पसंद आता है। मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा इसमें टायर लगे होते ये अंदर चला जाता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है। बाहर रखो, इसमें अपना सामान रखो और तैयार हो जाओ। और ये है यहाँ से व्यू, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था, परसों भी दिखाया था, आज भी दिखा रही हूँ। ये इन्होंने ये लॉक कर रखा है क्योंकि मुझे लगा कुछ हुआ होगा, कभी कोई बच्चा बच्चे का गिरने का, यहाँ तो कीलें लगा दी हैं। कभी ना छोटे बच्चे आते हैं ना फ्रेंड्स, मिट्टू के जैसे बच्चे है ना,